तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वक्त की जो है काफी बड़ी अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जी हाँ, अगर हम बात करें मातृ वंदना योजना के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में जो है किसको मिलेगा इस योजना का लाभ, आखिरकार कितने पैसे जो है मिल पाएगा, किस तरह से मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, पात्रता क्या होगा, आपके जितने भी डाउट होंगे, आपके जितने भी सवाल होंगे, उन सभी सवालों का जवाब इस एक ही वीडियोस में आप सभी को मिलने वाला है। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक अवश्य रूप से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको सभी जानकारी जो है टू द पॉइंट जो है डिटेल्स समझ में आ सके। तो अगर हम बात करें मातृ वंदना योजना, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा ये लाए गए सबसे महत्वपूर्ण योजना है, काफी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, जिससे कि छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं को हर एक महीने जो है, 1 महीने में जो है 1,000 रुपये और 12 महीने में कुल टोटल जो है 12,000 रुपये की राशि आप सभी को जो है मातृ वंदना योजना में आपको मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा मातृ वंदना योजना जो आप सभी के लिए लाया गया है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो पीएम किसान योजना नया लॉन्च हुआ है, इसके लिए 15 जनवरी तक जो है इन किसानों के नाम जो है जोड़ने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, और इन सहकारी समितियों में जो है नाम आप जो है छत्तीसगढ़ के जो किसान है वो अपना नाम जो है जुड़वा सकते हैं, ताकि आपको लाभ मिल सके। जितने भी योजना होते हैं आपको उसी समय सीमा पर जो है, निर्धारित समय सीमा पर ही जो है पूरे करने चाहिए, ताकि बाद में किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए काफी अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए कर्जा माफी को लेकर। जी हाँ, तो 2 लाख रुपए तक का छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का जो है बैंकों का लोन जो है माफ होने वाला है, चाहे आपका गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, जिला सहकारी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, कोई भी बैंक हो, छत्तीसगढ़ के आपने किसी भी बैंक में अगर लोन लिया हो, तो एक एक करके जो है सभी बैंकों का जो है, आप सभी किसानों का जो है, सभी बैंकों का पूरा जो है आपका कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम आपका होगा, और ये भी चीजें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी चीजें आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए जो है सबसे बड़ी अपडेट है, छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए ही सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा जो है धान खरीदी लिमिट भी बढ़ा है। जी हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है, बीजेपी की सरकार ने धान खरीदी के लिए जो लक्ष्य रखा है, जो टारगेट रखा है, वो है 130 लाख मीट्रिक टन। जी हाँ, 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, लेकिन उस लक्ष्य को अभी तक पूरा नहीं किया जा पूरा अभी तक नहीं हुए हैं, और काफी किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना धान जो है नहीं बेच पाए हैं, काफी किसान ऐसे हैं जिनका धान अभी तक का नहीं बिका है। तो उन सभी किसानों का जो है क्या होगा कि जिनका धान नहीं बिका, तो उनके लिए जो है काफी महत्वपूर्ण काम करते हुए धान खरीदी की तिथि, धान खरीदी की डेट जो है, तय तारीख जो है बढ़ा दी गई है, जिससे कि जो किसान जिन्होंने अपना धान नहीं बेच पाए हैं वो भी किसान, ताकि अपने धान जो है सफलतापूर्वक अच्छे से जो है वो भी किसान अपना धान जो है बेच पाए। तो आप सभी के लिए ही जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी अपडेट आप सभी के लिए, जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी आप सभी के लिए जानकारी अपडेट निकल के आते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक जानकारी, वो हर एक चीज आप सभी के लिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और 2 लाख रुपए तक हम सभी किसानों का जो है, सभी बैंकों का जो है कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। देखिए, अगर कर्जा माफ हो जाता है तो इससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को काफी बड़ी राहत होगा, बहुत ही बड़ी राहत होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो है ज्यादातर किसान जो रहते हैं वो कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, कर्ज में जो है लिप्त रहते हैं, और वो सभी किसान यही चाहते हैं कि कैसे भी करके उनका बैंक का लोन जो है छूट हो पाए, कैसे भी करके उनका बैंक का लोन जो है माफ हो पाए। और ऐसे में अगर बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी किसानों का अगर बैंकों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, आप सभी किसानों का अगर बैंकों का लोन जो है कर्जा फुलफिल जो है माफ कर दिया जाता है, तो ये आप सभी किसानों के लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी, ये आप सभी के लिए ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, तो आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी अपडेट, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक मैनिफेस्टो
आप सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है आप सभी के लिए जो है देखने को मिल पाता है। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि अब आप लोगों के जितने भी जो प्रॉब्लम्स वाले दिन थे, आप लोगों के जितने भी जो परेशानी वाले दिन थे, जो समय था ना कि हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो किस तरह से हम जो है सभी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, किस तरह से हम जो है अपना बैंक का जो है कर्जा छूट पाएंगे, किस तरह से हमारा जो है बैंक का लोन माफ हो पाएगा, इन सभी चीजों के बारे में अब जो है सोच रहे थे। लेकिन अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह से परेशानी फेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप लोगों की सरकार आ चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप लोगों की गवर्नमेंट आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी अपडेट जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो हर एक चीज आप सभी के लिए जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी के लिए हर एक चीज जो है बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जी हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी अपडेट हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी मैनिफेस्टो हैं, वो हर एक चीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो धान खरीदी की तारीख भी बढ़ा दिए गए हैं, जितने भी किसान जिन्होंने अभी तक धान नहीं बेचा है वो भी किसान अपना धान जो है बेच सकते हैं। तो क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट्स ने धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा है वो 130 लाख मीट्रिक टन का रखा है, कि 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने तक आप जो है अपना फुल फिल जो है धान बेच पाएंगे, जो कि आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी अपडेट होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी अपडेट निकल के आते हैं, वो हर एक चीज आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, आप सभी के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, तो आने वाले टाइम में और भी काफी इम्पोर्टेंट अपडेट आने वाले टाइम में और काफी महत्वपूर्ण चीजें हम सभी के लिए होने वाली है। जी हाँ, आई होप जितने भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी, सभी अपडेट आप सभी को पसंद आया हो। जी हाँ, अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर आप सभी को पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड देन वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप जो है अवश्य रूप से बता सकते हैं। वीडियोस आपको कैसा लगा, थैंक यू।